हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित देवास शहर के बारे में कुछ रोचक बातें और खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देवास भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जिसका उत्तरी भाग मालवा पठार जबकि दक्षिणी भाग नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। दोस्तों, इस शहर के नाम की उत्पत्ति भारत के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देववास से हुई है, जिसका अर्थ होता है देवों का निवास स्थान। फ्रेंड, यह एक अग्रणी औद्योगिक शहर भी है जो संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत में प्रचलित है, जिस कारण यहाँ भारत के कोने कोने से आकर लोग बसे हुए हैं। यहाँ कई सारे कारखाने हैं, जैसे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, लेदर कम्प्लेक्स, रेन बक्सी, गजरा गियर्स आदि। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ बैंक नोट प्रेस है जो कि देश का सबसे पुराना नोट छापने का कारखाना में से एक है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जहां वर्तमान में 100 से 2000 तक के सभी नोट छापे जा रहे हैं। इसके अलावा देवास में और भी कई छोटे बड़े उद्योग हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो ये शहर 7020 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख के लगभग है और यह शहर समुद्र तल से 535 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यह शहर टेकरी माता मंदिर की वजह से काफी प्रसिद्ध है, जो यहाँ एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे माँ चामुंडा मंदिर, देवास माता मंदिर, टेकरी माता मंदिर और माँ चामुंडा टेकरी आदि। बता दें कि यह मंदिर भारत के 52 शक्ति पीठों में से एक है, जो तुलजा भवानी और चामुंडा देवी को समर्पित है। यह मंदिर काफी पुराना भी है। टेकरी पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। वैसे तो दोस्तों, ये शहर भोपाल से 153 किलोमीटर दूर है और देश की राजधानी दिल्ली से 889 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। दोस्तों, इस शहर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पुष्पगिरी स्थित है। पुष्पगिरी की पहाड़ी सोनगच्छ के निकट भोपाल इंदौर मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, इसी शहर में केउनी वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो देवास और सीहोर जिलों की सीमा में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पवन चक्कियां देवास जिले की जामगोद रानी नामक स्थान पर स्थापित की गई है। दोस्तों, अगर बात करें शहर के पड़ोसी जिलों की, तो देवास के उत्तर में शाजापुर जिला है, पूर्व में सीहोर जिला है, दक्षिण पूर्व में हरदा जिला है और इनके अलावा खंडवा जिला, खरगोन जिला, इंदौर जिला, उज्जैन जिला स्थित है। दोस्तों, इस शहर का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार होते हैं और इस शहर की साक्षरता 70.53% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 941 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 19.48% रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं देवास शहर के खूबसूरत दर्शनीय व पर्यटन स्थलों के बारे में, जो लोगों को काफी ज्यादा अपनी और आकर्षित करते हैं। जैसे देवास वाली माता जी का मंदिर। देवास में स्थित माता मंदिर को देवास माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में दो देवी विराजमान हैं, जिनमें से एक को तुलजा भवानी और दूसरी को चामुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये मंदिर टेकरी पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। चामुंडा देवी को बड़ी माँ और तुलजा भवानी को छोटी माँ कहा जाता है। इन दोनों देवी के बारे के बारे में कहा जाता है कि इसके बीच बहनों का रिश्ता था। ये एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मीठा तालाब देवास। मीठा तालाब देवास में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह तालाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तालाब के पास में एक गार्डन भी बना हुआ है। यह गार्डन एमपी टूरिज्म की तरफ से प्रबंधित किया जाता है। यह गार्डन बहुत सुंदर है। मीठा तालाब में आपको फव्वारा भी देखने के लिए मिल जाता है। मीठा तालाब के आसपास आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यह देवास में घूमने लायक जगह है। पुष्पगिरी तीर्थ। पुष्पगिरी तीर्थ देवास जिले के पास में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह जैन धार्मिक स्थल है। पुष्पगिरी जैन तीर्थ देवास से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको पारसनाथ भगवान जी का मंदिर और पद्म प्रभु जैन मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपको पहाड़ी के ऊपर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। पुष्पगिरी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको और भी दर्शनीय स्थल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ पर आकर आप अपना बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। फ्रेंड, इनके अलावा भी जैसे कावड़िया पहाड़ी, केदार खो,
सिद्धिविनायक, गणेश मंदिर, मयूर पार्क आदि कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।